तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब आपका सेल्फ कंट्रोल रिएक्टर है, सारा काम ये खुद कंट्रोल कर रहा है, हीट एक्सचेंजर से इसको मतलब नहीं, यानी स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई, दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो कोई यदि यह खुद सब कुछ कर रहा है तो स्टेबल ज़्यादा रहेगा, दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा तो अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि दूसरे पर आधारित है। तो ये स्टेबल है, सेल्फ कंट्रोल रिएक्टर भी इसीलिए इसको कहा जाता है। तीसरा बात क्या लिखा गया, मोर इफिशियंट। क्यों मोर इफिशियंट है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ स्टीम हाई। क्यों हाई मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कि खुद यहाँ पर वाटर खुद अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल खुद है तो क्या करेगा, आपका हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, और हीट ऑब्जॉर्व करके आपका स्टीम के अंदर बदलेगा, और स्टीम जो आपका होगा वो हाई प्रेशर के साथ स्टीम होगा, और इसका टेम्परेचर भी हाई होगा। क्यों, क्योंकि खुद वाटर क्या है, रिएक्टर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है, जिसके कारण यहाँ पर आपका क्या है, बहुत वाटर स्टीम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बदलेगा, और जो स्टीम होगा इसके पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होगा, और ये बहुत इफ़िशियंटली काम करेगी, यानी टर्बाइन पर बहुत हाई स्पीड के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ आपका स्ट्राइक करेगा। इसीलिए आपकी प्लांट की इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर आपका क्या है, डायरेक्टली रिएक्टर के कॉन्टैक्ट में है, जिसके कारण आपका जो स्टीम का प्रेशर होगा वो अधिक होगा, स्टीम का टेम्परेचर होगा वो भी अधिक होगा। आरएसएन में तो ये तीन आपका मेनली तौर से एडवांटेज मिल जाता है बीडब्ल्यूआर यानी बॉयलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर। अब डिसएडवांटेज क्या मिला आपको, डिसएडवांटेज आपको मिलेगा रेडियो एक्टिव करप्ट द टर्बाइन। इसका मतलब अब देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग BWR यानी यहाँ पर बॉयलिंग वाटर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर वाटर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना, आपका कोर के कॉन्टैक्ट में है, फ्यूल रॉड के कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होगा तो वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होता है, रेडिएशन भी होता है, तो वो रेडिएशन किसके साथ मिल जाएगा, वाटर के साथ मिल जाएगा, वाटर स्ट्रीम में बदल गया वही रेडिएशन के साथ, और ये वाटर कहाँ जा रहा है आपका, टरबाइन के ऊपर जा रहा है। तो टरबाइन के ऊपर जाएगा तो ये क्या कर देगा, टरबाइन के ब्लेड को इफेक्टेड कर देगा, टरबाइन के ब्लेड के लाइफ क्या कर देगा, इसके कम कर देगा। क्यों, क्योंकि अब सब्सटेंस के साथ यानी स्टीम के साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी क्या हो गया है, मिल गया है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन हम लोग को करने की आवश्यकता है, क्योंकि वाटर या स्टीम जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है रिएक्शन के, चेन रिएक्शन के, जिसकी वजह से इस पर रेडिएशन का प्रभाव इफेक्ट पड़ जाता है। इसके अलावा आप देखिए थर्मल इफिशियंसी इसकी पुअर होती है, ये पॉइंट अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोले थे, मोर इफिशियंट बोले थे, क्यों, टेम्परेचर ऑफ स्टीम हाई मिलता है, लेकिन अभी बात क्या कर रहे हैं, थर्मल इफिशियंसी कम होती है। थर्मल इफिशियंसी क्यों कम होगी, क्योंकि थर्मल इफिशियंसी क्यों कम हो रही है, क्योंकि अब देखिए जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, यानी वाटर को हम जो दे रहे हैं, वाटर आपका रिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है, और ऑब्जॉर्व करने के बाद स्टीम में बदल जा रहा है, तो चूंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ स्टीम है वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इतना अधिक होगा कि हम उसका सही से यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे, यानी वाटर आपका बहुत ज़्यादा, स्टीम आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ स्टीम है वो बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है, यानी जितना हम उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वाटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में, तो जितना स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो सही से उपयोग नहीं होता है, स्टीम वेस्ट होता है, इसीलिए जो स्टीम का यानी थर्मल इफिशियंसी है वो पुअर हो जाएगी। यानी वाटर स्टीम में तो जा रहा है, यानी सॉरी हीट वाटर को प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन वाटर से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, सही से उपयोग नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है या इफिशियंसी है, वो थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, पुअर होगी, जबकि ओवरऑल इफिशियंसी आप देखिए हाई हम बता रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ स्टीम क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, तो टर्बाइन आपका हाई स्पीड से रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अच्छा होगा, तो यहाँ पर इफिशियंसी ओवरऑल हाई है, लेकिन आपका थर्मल इफिशियंसी पुअर होगी, क्योंकि पूरा इफिशियंसी पूरा स्टीम आपका उपयोग नहीं हो रहा है, स्टीम सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो हीट हमने दिया था वो हीट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात किया, थर्मल और आपका बॉयलर वाटर रिएक्टर भी समझा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका हम प्रेशराइजर वाटर रिएक्टर और उसके बाद फिर अदर रिएक्टर की बात भी हम करेंगे, और वो सारा टॉपिक भी आपको कवर कराएंगे। थैंक यू।